आपका नाम है कृष्णा कुमार और कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन से शहर में हैं? सर जी, मेरा नाम कृष्णा कुमार अधिकारी हूँ। मैं यहाँ दोहा कतार में काम करता हूँ, हमाद मेडिकल कॉरपोरेशन में। दरअसल मैं पेशेंट फूड सर्वर की काम करता हूँ। मैं नर्सिंग एड का वो काम, मेरे को वो सब कुछ हो चुका है, मगर ये मेरी जो कंपनी है वो मुझे रिलीज नहीं देती है, जो वो कंपनी में ट्रांसफर होने के लिए। इसलिए मुझे नर्सिंग एड का भी वो जॉब डिस्क्रिप्शन, इधर उधर काम शाम सब कुछ आता है सर। इसलिए मेरा NOC नर्सिंग एड एंड पेशेंट केयर एसोसिएट है सर। मैंने रिसेंटली AIPP के लिए एक LP टोरेंटो ग्रुप बोलने वाला है, वहाँ कनाडा पे है। मैंने उन लोगों के थ्रू अप्लाई किया था। मैं वो लोग IELTS और वो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए, वो IELTS तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, मगर US के लिए बाकी था। इसलिए अभी लॉकडाउन भी हुआ, इसलिए मेरा वो US का रिपोर्ट नहीं आ रहा था सर जी। और ये पूछना चाहता था कि मैं सर जी, वो मुझे नर्सिंग एड की जॉब कोई अटलांटिक इमिग्रेशन में, AIPP में कोई, वहां से हो सकता है कि नहीं हो सकता था सर जी? वो लोगों ने तो पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट में यही बोला था कि इम्प्लॉयर तो तुमको ढूंढेंगे, हम लोग वो AIPP में स्पॉन्सर करने के लिए बोला था। इसलिए मेरा एजुकेशन भी उतना नहीं है, हायर सेकेंडरी है मेरा वो। इसलिए मैं US में वो डॉक्यूमेंट भेजने के लिए चाह रहा था, इसलिए अभी लॉकडाउन की वजह से संभव नहीं हो रहा कृष्णा है। कुमार, इतना लंबा बोल गए आप, तो आपको मेरे से क्वेश्चन क्या है कि जॉब आपको मिल सकती है नहीं मिल सकती, ये पूछ रहे हो? हाँ सर जी, तो ये बॉस मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, जॉब देने वाले कोई और हैं, जो कंसल्टेंट कोई और हैं, तो वो उनके पास अगर जॉब होगी तो वो खुद ही ट्राई करेंगे। इसके बारे में मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कोई अगर इमिग्रेशन वीजा की कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अगर वो जॉब दे रहे हैं आपको तो उन्हें मालूम होगा कि जी, कौन जॉब है क्या है। मेरा तो एक ही सवाल है आपसे भी और उनसे, क्या वो लॉयर हैं कनाडा के? नहीं, पहली बात तो ये है। नहीं, सर वो लोग लॉयर है सर, आपको भी पता होगा वो लोगों का, वो LP ग्रुप नहीं, हमें टोरेंटो कैसे है वो पता होगा सर लोग जी? का। ना, अरे यार, हमें कैसे पता होगा, कनाडा में तो हजारों लोग होंगे, कंसल्टेंट कंपनियां हो सकती है, मेरे को सबके बारे में कैसे पता होगा? आप तो उनसे सिर्फ ये पूछें कि अगर आप लॉयर हैं, वकील हैं, जहां पर भी उनका ऑफिस है, उनसे कहना कि आपकी जो लॉयर रजिस्ट्रेशन की एक जो फोटोकॉपी है वो आपको दे दें, उससे आपका पता लग जाएगा कि वाकई वो लॉयर है कि नहीं। सिर्फ आदमी जो कहता है मैं लॉयर हूँ, उससे उससे यकीन नहीं हो सकता। मतलब यकीन तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कंफर्म ये नहीं हो पाएगा कि वाकई वो लॉयर है कि नहीं है। उनका एक जो लॉयर एक आईडी होती है, लॉयर आईडी की कॉपी उनसे पहले मंगाओ, फिर आप कोई भी बातें करना है जो करो, फिर उसके बाद जैसी भी डीलिंग करनी करो। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, बाकी जॉब आपको उस एरिया में जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, न्यू ब्रंसविक है, न्यू फिनलैंड है, लैब्राडोर, प्रिंस है, नोवा स्कोशिया, वहां पर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता। आई एम लिविंग इन एल्बर्टा, मेरे को नहीं पता कि वहां पर जॉब है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान, अगर कोई ग्रुप आपसे कह रहा है कि जॉब वो दे रहेंगे और है जॉब, तो भाई हु नोज, दे मे हैव द जॉब, आई डोंट नो कि उनके पास जॉब है कि नहीं है। लेकिन जॉब है या नहीं है वो बाद में होगा, पहले तो ये पता करें कि वो आदमी लॉयर वकील है भी कि नहीं। सर वो आदमी वकील है। मैंने दरअसल वो ICCRC की वेबसाइट में भी वो लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी चेक किया है। और वो लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो भी दिया था, वो भी अभी बाकी है। दरअसल वो डॉक्यूमेंट की वजह से, पेंडिंग की वजह से, क्या तो वो लोग थोड़ी बहुत उनका लाइसेंस नंबर क्या है? लाइसेंस नंबर, एक मिनट हाँ सर जी, मैं एक एक मिनट में निकालता हूँ अभी। एक मिनट में निकाल दो, मैं भी चेक कर लूंगा। बिल्कुल, ओके मैं भी चेक कर लेता हूँ, अगर शायद मेरे को मिल जाए। बाकी ऐसा है कि मैं आपको अब यहाँ पर मैं पब्लिकली किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं किसी लॉयर का नाम, कंसल्टेंट नाम, नहीं, कोई फायदा नहीं। चेक उसको हाँ अपने आप ही आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप उनकी वेबसाइट भी जाके, अगर IRCC की मेंबर है, ICCRC की मेंबर है, तो आप उनका हाँ खुद ही जाके चेक कर सकते हो। दरअसल मेरे को भी बहुत पहले समय से, मैं भी आपकी वो देखा करता था, इसलिए एक बार आपके साथ बात करने का मन कर रहा था, मगर अभी मैंने सोचा नहीं था। मैंने दो पैर में आपको मैसेज किया था तब से, एक सेकेंड। सो अगर आपके पास आईडी है तो अभी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन यू नो इट्स समथिंग के नहीं ये है। इधर में थोड़ी वो हो रही है,
मेल में था। तो जिसकी आईडी है, जिसके नाम से है, वही आपसे बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है? वो भी बात करता है, मैं कभी कभार उसको मेल भी करता रहता हूँ। और मैंने पहले जो वेज का अकाउंट मेरे को नहीं आता था उतने बनाने के लिए, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था, जो वो लोगों का लॉफिंग में काम करते वो लोगों आप को आईडी वो आईडी डबल नंबर ईमेल में वो। आईडी नंबर दो पहले बॉस, आई गिव मी द आईडी नंबर। ओके सर, आई एम गिविंग। हाँ इधर में सर, सर जी मैं अभी आपको देता नहीं समझ में हूँ। आ रही? इधर में कहाँ पे सर, नहीं मिला। यहाँ पे अभी मिला, अभी मिला, R530। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, R530। R537, आवाज नहीं आई, क्या कह रहे? R530। R530227। नाम क्या है इनका? इनका नाम एलेक्जेंडर डेविडसन कार्डसन, ये सब कुछ बोल के मुझे नाम अच्छी तरीके से मुझे पता था, मगर डेविडसन एलेक्जेंडर डेविडसन कार्डसन ना कुछ इस तरह के नाम है। मैं ठीक बहुत है, पहले चेक किया था, अभी थोड़ा जेन में सही है। चलो, ये जो भी आपने दिया वो रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है, और मैं आपको सिर्फ इतनी आपको सावधानी बरतने के लिए कहूँगा कि जो कुछ बात करनी है आप इनसे ही बात करो, किसी और असिस्टेंट से या वर्कर से या किसी और से बात मत करो। जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा इनके साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर जो भी पैसे की डीलिंग करनी है तो इनके डायरेक्टली अकाउंट में होनी चाहिए, तब जाके आप कर नहीं सर, सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, वो लोगों ने मुझे रिटेनर एग्रीमेंट भी दे दिया है। अभी मैंने बात, वो लोग क्या बोले कि मुझे भी दरअसल 1 साल पहले ऐसा क्यूबे के नाम से कुछ इधर उधर के नाम से मेरे थोड़ी बहुत पैसे भी चले गए थे। अभी तभी मुझे उतना कुछ पता नहीं था, जो आप बोलते थे मैं वीडियो में चेक करता था, जो थोड़ी बहुत भी जानकारी हो जाए इमिग्रेशन नॉलेज की, जो वो आप वो बंदे को कोई भी इमिग्रेशन जो ऐसे वैसे करके नहीं फंसा सकता था मेरे बोल के अभी मेरे मैं को एक तो। मेरे को एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि हाँ जी आपने पैसे इनको दे दिए, आप डीलिंग इनसे कर रहे हो, आपकी कॉन्ट्रैक्ट इनसे आ गया, सब डीलिंग उनसे हो रही, तो मेरे से पूछ पूछ क्यों रहे हैं उसके बारे में? नहीं सर, दरअसल मैं आपसे भी एक बार बात करने के मन कर रहा था, इसलिए अभी लंबे समय से वो सिचुएशन भी ऐसी है, मैं वो लोगों के साथ भी उतना वो फ्रिक्वेंटली बात नहीं करता रहता हूँ, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। और ये पूछना था कि सर जी मुझे वहाँ पे NOC लेवल की सी कैटेगरी में वो जॉब, नर्सिंग एड की जॉब तो मिल सकती है ना सर, इंटरमीडिएट स्किल वर्कर में? आप पूछा कि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, बड़ी बहन की मिल सकती है, या आप पूछ रहे हो कि आपको मिल सकती है? नहीं, होती है ना दरअसल वहाँ पे वो इंटरमीडिएट स्किल जो सी कैटेगरी की होती है, जो वहाँ हाँ पे वो होती नर्सिंग है वो जो। है, सही है, होती है, सही है, होती है। हाँ, मेरा सपना तो वही था सर जी, एक बार तो मेरे पैसे भी चले गए थे, इसलिए मैं भी दोबारा से फिर ट्राई किया, अपने आप के ऑन बेसिस पे भी रिसर्च करता रहा मैं, वो पैसे भी थोड़ी बहुत भी चले गए थे, जो आप बोलते हैं कि किसी के पैसे नहीं चले जाए, मेरा तो वही रहता है, इसलिए मैं बहुत लंबे समय से बात करने की मन कर रहा था सर जी। एनीवे, थैंक यू सर जी फॉर योर टाइम ऑल्सो। श्योर श्योर, ठीक है ठीक है, थैंक यू, ठीक है। ओके।